सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बानो नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुने आपने आज एक योगी के वाक, आज इनके द्वारा कहा जा रहा है अब जन को माखे भट मानी ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, इस पृथ्वी में कोई वीर ही नहीं रहा। आज वीरों का अपमान किया जा रहा है, अपितु ये प्रण तो राजाओं के लिए था। बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल। अब महिपाल माने वीर नहीं हुआ करता, राजा हुआ करता है। यदि ये प्रण वीरों के लिए होता महाराज तो ये धनुष तो ठीक है, तुम और किसी को कह दे वो भी तोड़ा जाता। बोलने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब बाद में पश्चाताप कर रहे हैं आप। बेटी के लिए बताया जाता है जो घर भर कुल होए अनुपा कर ये विवाह सुता है अनुरूपा। घर देख लेते वर ले देख लेते कुल देख लेते सुता की अनुरूप सुता से कुछ पूछ लेते। बिना विचारे आज प्रण कर दिया और बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, इन सभी वीरों का अपमान कर रहे हैं। अब ये तो कहीं लिखा नहीं है कि जो राजा होगा वही वीर होगा, या फिर जो राजा होगा वीर होगा वही वीर होगा। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री ये अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सहने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर रघुवीर राम जी के आगे ये अनुचित वाणी कह डाली है, वो शब्द हृदय में चुपते हैं। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और बताया गया तुम्हारी बेटी को माँ गिरजा का वरदान मिला हुआ है। सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा मन कामना तुम्हारी मन जाहि राज्यो मिलै सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत सावरो। माँ गिरजा की वाणी ही मिथ्या हो गई, तुन मंदिरों को तुड़वा दिया जाए फिकवा दिया जाए उन मूर्तियों को, जब देवी देवता ही झूठ बोलने लगे महाराज जनक। आज ऐसी वाणी सुनकर हमें आपके वाक अच्छे नहीं लगे। रघुवंशियों में से कोई एक अंश भी बैठा हुआ करता है, वहां ऐसे वाक नहीं किए जाते, और यहाँ तो स्वयं रघुकुल रूपी श्री रघुवंश बैठे हुए हैं। हे मेरे महाप्रभु, यदि आज मैं आपका आदेश पा जाऊं तो फिर इस धनुए की क्या मजाल, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं। रघुवंशन मा जाको होई तई समाज अस कहे न कोई कही जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनो भानकुल पंकज भानु कहो स्वभाव न कछु अपमानु, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो फिर ये कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम डारो भोरी सकह मेर मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना तो को बाप रो ये पिनाक पुराना, तो रो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। जो न करह प्रभु पद शपथ जो न करह प्रभु पद शपथ, तो ये पुण्य न धरो धनुहार पुण्य न धरो धनुहार पुण्य न धरो धनुहार। लखनी सको बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने सिय ही हरस जनक सकुचाने। सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे।
कुछ रोष भरे शब्द श्री जनक महाराज के द्वारा कहे गए, जो शब्द हमारे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लग सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो हमारा वीर है। कोई भी वीर कभी वीरता का अपमान सहन नहीं कर सकता है, परंतु श्री जनक महाराज हमारे पिता तुल्य हैं। इस समय इन्हें कुछ भी कहना सब तरह से अनुचित होगा, क्योंकि बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। इसलिए चाहता हूं कि अपने क्रोध को शांत कर लो भैया। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। अब तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, ऐसा विधि का नियम टूटता ही नहीं, ऐसा विधि का नियम टूटता ही नहीं। देंगे जब तक न आज्ञा समय मां सुनैना की भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। मां सुनैना सुनैना किसी के वचन, मां सुनैना सुनैना किसी के वचन, मां सुनैना जान की है प्यारी लग।
विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह महबानी। धर्मात्मा राम अनुज लक्ष्मण महाराज जनक के द्वारा किया गया क्रोध गलत नहीं है। जब कोई प्रतिज्ञा करता है, जब कोई कार्य करता है, उसके कार्य की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध स्वाभाविक होता है। क्रोध एक अग्नि है। जब क्रोध आता है तो मन और बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो राजा जनक के द्वारा कहा गया, अब जनको माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। राजा जनक को क्रोध की वजह से ये ज्ञान नहीं रहा कि महाराज दशरथ के पुत्र जिन्हें कहा गया है पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुन भय हरन, वो वीर है और वीर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अस्त मेरा विचार है, देख रहा हूँ मिथिला की प्रजा इस समय बहुत द्रवित है, रो रही है, महाराज जनक भी संताप में डूबे हुए हैं। अस्त राघव उठो उठो राम भंजो भव चापा मेटहु ताज जनक प्रतापा। जाओ जाओ राजकुमार राम अजगों को दो खंडों में परिवर्तित करो, राजा जनक का संताप दूर करो। जाओ राम जाओ राम जाओ राम। सुनि गुरु बचन चरण सिर नाबा हरस विषाद न कछु उर आबा। ठाड़ भई उठ सही जी सुमाए भवन जुबा मृगराज ल जाए। लखन लखो रघुबल सुमन ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। दसो दिशाओं के दिग्गज शेष नाग किन्नर यक्ष सभी लोग सावधान हो जाएं। भूत भावन भगवान शंकर के पावन पिनाक को मेरे महाप्रभु दो खंडों में विभाजित करने जा रहे हैं। कहीं इसके टूटने से गर्जना से ये पृथ्वी उलट पलट न हो जाए। दिस कुंजरव कमट ही कोला धरहु धरन धन धीर न डोला। राम चहु शंकर धन तोरा तो हो सजग सुनायो सुमुरा। सभी लोग सावधान हो जाए सावधान हो जाए सावधान हो जाए। भैया लक्ष्मण के द्वारा दिस कुंजरहु कमट अही कोला दसो दिशाओं के दिग्गजों को सावधान किया गया, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के अजगों का खंडन होने जा रहा है। प्रांगण अंतर्गत सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन है, सब लोग सावधान होकर के बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों के पश्चात धनुष का खंडन होने जा रहा है, सावधान हो जाएं, सभी लोग सजग हो जाएं। देखी विपुल विकल पे दे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सियहो निम सभी हाथो कलम सब दे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम सुधा चढ़ागा लक्ष्मण राम प्यारे।
जाओ समय चुके पुरी पछताने लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो असही जाने जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीतु विषे की लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मो प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे ले जय माल चली सिया प्यारी हो हेलो हेलो सभी लोग बैठे हमारी माता बहने सता तबो आयसु दीना सीता गवनो राम पई की नासिया और किशोरी जी कब से खड़ी हैं हाथ में जयमाल लिए हुए वो आपके झुकने का इंतजार कर रही हैं आप कब झुके और मैं कब सरकार के गले में
जयमाल अर्पित कर दूं, लेकिन मेरे नाथ आपने हर कर, आप सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं सभी लोग, आपने हर कर अपने गुरुजी के कहने से किए हैं। अहल्या को तारा वो भी गुरुजी के कहने से, ताड़का का वध किया वो भी गुरुजी के कहने से, मारीच को सागर पार फेंका वो भी गुरुजी के कहने से, और इस धनुष का खंडन किया वो भी गुरुजी के कहने से, लेकिन ये कार्य हमारे कहने से कर दीजिए। झुक जाओ, नहीं झुकेगी, चाहे जितना करो कमाल हो, चाहे जितना करो कमाल, सियाहरी न डाले जब तक न झुकोगे ना, सियाहरी न डाले जब तक न झुकोगे ना, सियाहरी न डाले चाहे जितना करो कमाल। आरती कर तू जनक कर जोरे, सभी माता बहन आगे आए प्रभु मोरे, कर ही आरती पूरी नर नारी, दे ही निचावर दे तो बिसारी। मैं सभी माता बहनों से कहूंगी, हमारी माता बहने भी घर जा जाए, अगर आप लोग घर जाएंगे तो रास्ते में बहुत बड़ा भूत मिलेगा आपको। सभी लोग बैठे, पहले भगवान माता जानकी जी प्रभु श्री राम जी की आरती करें, आप अपने कमलों द्वारा। रात भर लीला देखने का तात्पर्य यही है, धनुष का खंडन हुआ है, आप लोगों ने चल दिया है। और आप है हमारे आदरणीय सम्मान्य श्रीमान गोरेलाल भगत जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी और सीता जी के चरणों में अर्पित है, बहुत बहुत साधुवाद है। ये होता है देखो भाव, और दिन में देखिए कितना बढ़िया माहौल है, दिन में श्रीमद् भागवत पुराण में आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और यहाँ पर आज रामलीला में भगवान श्री राम जी का विवाह हो रहा है। तो चले हमारी माता बहने भाई बंधु, अभी जाएगा कोई नहीं, यहाँ पैसे का कोई भाव नहीं है, भगवान के पास आइए और आरती करिए, ये ब्रह्म बेला का समय है, ऐसा समय ऐसा सौभाग्य आप लोगों को बहुत बड़े भाग्य में मिलता है,
आए सभी लोग भगवान की आरती करके घर जाइए। कल इसी मंच के माध्यम से आप लोग देखेंगे सुंदर राम कलेवा की लीला और इसके आगे का प्रसंग आप। और तो चले हमारी माताएं बहने और भाई बंधु कमेटी के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं सभी लोग आवे और भगवान माता जी और भगवान जानकी जी और प्रभु श्री राम जी की आरती करें। सुने गीत सहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुरखी जो